राजनीति के। नमस्कार दोस्तों, मैं यशी कुशवा HP News 24 में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। ब्यावरा नगर पालिका के CMO ने वसूली का इतना दबाव बनाया कि शोले फिल्म की तर्ज पर पानी की टंकी पर खुदकुशी करने चढ़ गया युवक। इस दौरान ब्यावरा शहर के सैकड़ों लोगों सहित प्रशासनिक अमला के साथ नगर के कई जनप्रतिनिधियों के साथ विधायक रामचंद्र दांगी भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर निवासी जो नगर पालिका द्वारा बनाई गई दुकान में अपनी दुकान संचालित करता आ रहा था, लेकिन इस कोरोना काल के समय हुए लॉकडाउन के कारण उक्त व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इसी कारण वे व्यक्ति उक्त दुकान का किराया समय पर नहीं दे पा रहा था। इसी के चलते विगत दिनों से बकाया वसूली जल्दी भरने को लेकर नगर पालिका द्वारा बार बार फोन लगाया जा रहा था। इधर दुकानदार नगर पालिका के कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गया। इधर सोमवार को बस स्टैंड के पास स्थित बड़ी पानी की टंकी पर शोले फिल्म की तर्ज पर पानी की टंकी पर खुदकुशी करने चढ़ गया युवक। इस दौरान देखते ही देखते सैकड़ों लोग पानी की टंकी के पास पहुंच गए और उक्त व्यक्ति को टंकी से उतरने के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन किसी को एक न सुनी। इधर मौके पर पहुंचे ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी व पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी आश्वासन पर वे व्यक्ति टंकी से नीचे उतर कर आया, वे उसकी जान बच गई। मंडावर से प्रजापति की रिपोर्ट। सब समाधान करवा दे, कोई कस्टम नहीं आएगा तेरे से, सब बात करा दे। तुम्हें तो उतर का जनता मेरी बात मान ले, उतर मेरा आठोर से उतर का CMO को बोले यहाँ पे पता लगा था गंजाम जाटो जगह है, उनको कुछ नगर पालिका ने नोटिस दिया होगा और नगर पालिका भी काम था वसूली करे, लेकिन हो सकता है ज्यादा सख्ती कर दी होगी। तो आज हम लोगों ने समझाया बुझाया और नीचे उतराया। भगवान नहीं चाहे किसी की जान जाए, पर हम भी नहीं चाहते सब लोग सुरक्षित रहे। निश्चित रूप से कोरोना संकट की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, प्रशासन को थोड़ा सख्ती न करते हुए नरमी बरतक है और लोगों से समझा बुझा करके अपनी राशि जमा कराएं। हमारा नेता कैसा हो, उसको हमने उस सकुशल उतार लिया है और CMO साहब से बोला है कि भाई सख्ती नहीं करें, लोगों को प्यार प्रेम से जो वसूली हो कराएं। ये बार बार CMO साहब को यहाँ से फोन आता मेरे लिए, मैं दुकान के पैसे जमा करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो, ज्यादा परेशान बहुत कर रहे हैं, कम पैसा है तो दुकान में पैसे आटा बोलने दो यार। अगर हमारी चले तो हमें दुकान लेने का हक नहीं क्या? सुनना, ना जाने कैसे तो दुकान ली हमने, उसके भी 11 लाख रुपए हमने बोली लगाते दुकान ली नगर पालिका से। गलत तो नहीं बोल रहे भाई साहब, पैसों का इतना दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर कि हम क्या करें। चलो अभी डाल रहे हैं, अब नहीं डाल, लेकिन क्या करें हम भाई साहब। आप मैं लिखित में लूंगा, मेरे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करना। अरे विधायक जी दे, लिखित तो मान ले, लिखित हो जाएगा। अंधा भैया आपने बोला, मेरे पास